अनोखे लहंगे के पेड़ वाली नदी। मोतीपुर गांव में प्रेमा नाम की एक लड़की रहती थी। प्रेमा अभी 18 साल की थी। प्रेमा जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वह अब कपड़े सिलने का काम किया करती थी। प्रेमा लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह से अपना गुजारा किया करती थी और अपने कॉलेज की फीस भी दिया करती थी। प्रेमा पूरे दिन कपड़े सिलने का काम किया करती थी। प्रेमा को देखकर उसकी सहेली विनीता उससे बहुत ही जलती थी, क्योंकि प्रेमा की वजह से विनीता की माँ हमेशा विनीता को डांटती थी। आज प्रेमा के कॉलेज में परीक्षा का रिजल्ट आया है। प्रेमा ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, लेकिन विनीता बहुत ही कम नंबरों से पास हुई थी। विनीता का मार्क्स देखकर विनीता की माँ गुस्से से कहती है, तेरा पढ़ाई लिखाई में मन लगता है कि नहीं? हमने कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। बदले में मैंने यही चाहा कि तू कम से कम अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं हुआ। अरे तुझसे अच्छी तो प्रेमा है, जो पूरे दिन मेहनत करके लोगों के कपड़े सिलती है, उसके बावजूद भी पूरे कॉलेज में टॉप किया है। बिन माँ बाप की बेटी है, फिर भी तुमसे अच्छी और संस्कारी है। वह भी तो तेरे क्लास में ही पढ़ती है ना, कुछ सीख उससे। विनीता को अपनी माँ की बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आता है। उस प्रेमा की बच्ची की वजह से आज माँ ने मुझे इतना सुनाया है, उस प्रेमा को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। इतना कहकर विनीता प्रेमा से बदला लेने का ठान लेती है। वही दूसरी ओर प्रेमा अपना गुजारा सिलाई मशीन से कर रही थी। उसके पास गुजारा करने के लिए एकमात्र सहारा उसका सिलाई मशीन ही था। एक दिन प्रेमा घर का राशन लेने बाजार गई थी, तभी विनीता चुपके से प्रेमा के कमरे में जाकर उसके सिले हुए कपड़े और उसके सिलाई मशीन को जला देती है। थोड़ी देर बाद जब प्रेमा बाजार से घर वापस लौटती है, तब वह देखती है कि उसके कमरे में आग लगी हुई है और सारे कपड़े जलकर राख हो गए हैं और उसकी सिलाई मशीन भी पूरी तरीके से जल गई है। यह सब देखकर प्रेमा इतना तो समझ ही जाती है कि यह किसी की चाल है, लेकिन वह इल्जाम लगाए भी तो किस पर। जब गांव की औरतों को यह पता चलता है कि प्रेमा के घर में आग लग गई है, तो सभी दौड़ते हुए प्रेमा के घर पहुँचते हैं। अरे प्रेमा, तुमने जो कपड़े जलाए हैं उसमें हमारा बहुत ही कीमती साड़ी थी, अब उसके पैसे तुम्हें ही देने पड़ेंगे। जानबूझकर हमारे कपड़े जलाई है ना, अब तुम्हें हमारे कपड़ों की पूरी भरपाई करनी होगी। यह सब सुनकर प्रेमा बहुत ही दुखी मन से उदास होकर बैठ जाती है। प्रेमा को इस तरह परेशान देखकर विनीता को बहुत ही खुशी मिलती है और वह मन ही मन बहुत खुश होती है। तभी प्रेमा सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? सिलाई मशीन भी जल गई और सिले हुए कपड़े भी जल गए। मेरे पास ना तो सिलाई मशीन खरीदने के पैसे हैं और ना ही लोगों के जले हुए कपड़ों की भरवाई करने के लिए। इस गांव में तो लड़कियों को कोई काम पर भी नहीं रखता है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं कम से कम लोगों के जले हुए कपड़ों की भरपाई कर सकूं? अगली सुबह प्रेमा अपने मन में आशा की एक किरण लेकर काम की तलाश में निकल जाती है। चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता है। अंधेरा होने के कारण प्रेमा रास्ता भटक जाती है और एक जंगल में खो जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे यह क्या, ये मैं कहाँ आ गई? इतना घना जंगल और इतना अंधेरा इस सुनसान जगह में, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतना कहते हुए प्रेमा अपने कदम बढ़ाते हुए चली जा रही थी, तभी जंगल के बीचों बीच अचानक से अंधेरा उजाले में बदल जाता है। यह सब देखकर प्रेमा हैरान हो जाती है, अरे अभी तो बहुत ही अंधेरा था, अचानक इतना उजाला कैसे हो गया? आखिर इतनी जल्दी सुबह कैसे हो सकती है? तभी प्रेमा की नज़र एक बगीचे में जाती है। वह बगीचा बहुत ही सुंदर था। बगीचे में तरह तरह के फूल और पेड़ लगे हुए थे। पेड़ों पर बहुत सारे तरह तरह के फल भी लगे हुए थे। प्रेमा उस बगीचे में चली जाती है। वाओ, कितना सुंदर बगीचा है, यहाँ तो बहुत रंग बिरंगे फूल और पौधे लगे हुए हैं। इतनी हरियाली और इतने रंग बिरंगे फल फूल आज से पहले तो मैंने कभी भी नहीं देखे। मुझे तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। इतना कहकर वो पेड़ से फल तोड़ने ही जा रही थी
कि इतने में ही वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट हो जाती है। रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जादुई बगीचे में आने की और मेरे जादुई बगीचे से फल तोड़ने की? मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। उस जादूगरनी को देखकर प्रेमा बहुत ही घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वह जादूगरनी अच्छी थी, वह प्रेमा की परीक्षा ले रही थी। प्रेमा को रोता देखकर जादूगरनी का मन पिघल जाता है और वह प्रेमा से कहती है, अरे अरे रोना बंद करो, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारी बस परीक्षा ले रही थी। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है और तुम यहाँ कैसे आ गई? तभी रोते हुए प्रेमा सारी बातें जादूगरनी से बताती है। जादूगरनी जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं अपनी सिलाई मशीन से लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह से अपना गुजारा करती थी। कपड़े सिलकर ही जैसे तैसे मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, लेकिन अब हमारे घर में आग लग जाने की वजह से मेरी वो सिलाई मशीन भी जल चुकी है। सिलाई मशीन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? जादूगरनी प्रेमा की बातें सुनकर बहुत ही भावुक हो जाती है। तुम चिंता मत करो बेटी, को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मेरे साथ। इसके बाद जादूगरनी प्रेमा को अपने साथ एक नदी के किनारे ले जाती है। तभी प्रेमा जादूगरनी से पूछती है, जादूगरनी जी आप मुझे नदी के किनारे लेकर क्यों आई हो? थोड़ा सब्र करो बेटी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। थोड़ी देर बाद जादूगरनी प्रेमा की आंखें बंद करने को कहती है और अपना हाथ पकड़ने को कहती है। प्रेमा अपनी आंखें बंद करके जादूगरनी का हाथ पकड़ लेती है। आंख खोलने के बाद वह खुद को नदी के बीचों बीच पाती है, लेकिन वहां नदी के बीचों बीच एक पेड़ था जिस पर बहुत सारे अनोखे लहंगे लगे हुए थे। प्रेमा यह देखकर चौंक जाती है और जादूगरनी से कहती है, क्या मैं ये सब सपना देख रही हूँ या ये सब सच है? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, यह सब हकीकत है। अब तुम्हें सिलाई मशीन की भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जितना चाहो इस पेड़ से उतना लहंगा ले सकती हो। जादूगरनी की यह सब बातें सुनकर प्रेमा की मन में आशा की एक किरण जाग उठती है, लेकिन फिर भी वह निराश हो जाती है और जादूगरनी से कहती है, जादूगरनी जी मैं तो केवल यहाँ से एक या दो लहंगे ले जा सकूंगी। दो लहंगे बिकने के बाद फिर मैं क्या करूंगी? दो लहंगे में तो थोड़े ही पैसे मिलेंगे, वो भी दो चार दिन में ही खत्म हो जाएंगे। इससे कुछ नहीं हो सकता। आपका शुक्रिया, कृपया कर आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए जहाँ से आप मुझे लेकर आए हो। जादूगरनी प्रेमा की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए प्रेमा से कहती है, तुम चिंता मत करो बेटी, यह पेड़ मैंने ही उगाया है। इस पेड़ को मैं तुम्हारे घर के आंगन में लगा दूंगी, जिससे जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो तुम इस पेड़ से लहंगा तोड़कर बाजार में बेच आना, जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। उसके बाद जादूगरनी फिर से प्रेमा को आंखें बंद करने के लिए कहती है। उसके बाद जब प्रेमा अपनी आंखें खोलती है तब वह अपने आप को अपने घर के आंगन में देखती है और वह अनोखे लहंगे का पेड़ प्रेमा के आंगन में लगा हुआ होता है, लेकिन वह जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। तभी प्रेमा विचलित होकर जादूगरनी को आवाज देने लगती है, जादूगरनी जी आप कहाँ हैं? आप कहाँ चली गई जादूगरनी जी? तभी वह जादूगरनी प्रेमा के सामने प्रकट होती है और प्रेमा से कहती है, प्रेमा मेरी बेटी, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो बस तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर जरूरतमंद इच्छाओं को पूरा करूंगी। इतना कहकर जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। प्रेमा उस पेड़ से अनोखे लहंगे तोड़कर उसे बेचने लगती है। लहंगे दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे दामों में बिक जाते हैं। देखते ही देखते प्रेमा बहुत ही अमीर हो जाती है और वह लहंगों का व्यापार करने लगती है। यह सब देखकर प्रेमा की दोस्त विनीता बहुत ही हैरान हो जाती है। ये विनीता की बच्ची अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई? मैंने तो उसके घर में आग भी लगा दी थी, फिर भी उसके पास तो कपड़े सिलने के लिए भी सिलाई मशीन नहीं था।
फिर यह अचानक इतनी अमीर कैसे हो सकती है? मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा, आखिर बात क्या है। विनीता चुपके से प्रेमा के घर में ताका झाकी करने लगती है, तभी उसकी नज़र उस जादुई लहंगे के पेड़ पर जाती है। उस जादुई लहंगे के पेड़ को देख कर विनीता मन में सोचती है, अब समझी मैं सारा माजरा, तो इस पेड़ की वजह से ये दिन पर दिन अमीर होते जा रही है, और तो मैं इस पेड़ को भी जलाकर राख कर दूंगी। उसी रात जब सब सो जाते हैं, तब विनीता उस पेड़ में आग लगाने जाती है। विनीता जैसे ही पेड़ के सामने हाथों में आग लेकर आती है, पेड़ के सामने आते ही विनीता के दोनों हाथों में आग लग जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, आग आग, कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ। विनीता के चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रेमा की नींद खुल जाती है और वह दौड़कर विनीता के पास आती है और विनीता के हाथों में लगे आग को पानी की सहायता से बुझा देती है। उसके बाद प्रेमा विनीता से पूछती है, विनीता तुम इतनी रात में मेरे घर में क्या कर रही हो और तुम्हारे हाथ में यह आग कैसे लगी? विनीता को अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वह प्रेमा से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो प्रेमा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, फिर भी मैं तुम्हें बर्बाद करने पर लगी हुई थी, आज अगर तू नहीं होती तो शायद आज मैं जलकर मर गई होती, मुझे माफ कर दे प्रेमा। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है, अब बहुत रात हो गई है, चलो चलकर सो जाते हैं। उस दिन के बाद से विनीता प्रेमा की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। चंदा मामा की अनोखी चोरी। यह कहानी आज से हजारों साल पहले की है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक कारीगर रहता था। यूं तो वह अपने कला में बहुत ही माहिर था, लेकिन भोला और सीधा होने की वजह से वह लोगों की सीधी बातें को ही समझता था। उसे चालाकी बिल्कुल भी नहीं आती थी, जिस वजह से हर कोई भोला के भोलेपन का फायदा उठाया करता था, जिस वजह से भोला की माँ फूलमतिया बहुत परेशान रहती थी। जाने मेरे जाने के बाद यह अपना गुजारा कैसे करेगा? हे ऊपर वाले, तूने मेरे बेटे को इतना सीधा क्यों बनाया है? एक दिन जब भोला काम करके घर आया, तब उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, मैं जरा तेरी बुआ के घर जा रही हूँ, कल आऊंगी, तब तक तू अच्छे से घर की रखवाली करना, अपने दरवाजे को छोड़कर कहीं इधर उधर मत जाना। ठीक है माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं अपने दरवाजे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फूलमतिया चली जाती है, तभी भोला को पता चलता है कि गांव में बहुत बड़ा खेल दिखाने वाला आया हुआ है। अब भोला करे भी तो क्या करे, वो अपने माँ की बात को भी टाल नहीं सकता था, लेकिन उसके मन में खेल देखने की भी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी। तभी उसके मन में एक तरकीब आता है, क्यों ना मैं इस दरवाजे को अपने साथ ही ले चलूं, इससे माँ की कही हुई बात भी रह जाएगी और मैं खेल भी देख लूंगा। यह सोचकर भोला अपने घर के दरवाजे को उखाड़ देता है और उसको लेकर खेल देखने चला जाता है। इधर घर में दरवाजे ना होने की वजह से फूलमतिया के घर में चोरी हो जाती है। अगले दिन फूलमतिया जब घर आती है तो घर की हालत देखकर वो अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, यह क्या हाल कर दिया तूने मेरे घर का, कमीने, जाने तुझे कब अक्ल आएगी। हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूं? माँ आप किस लिए रो रही हो? माँ मुझे आपके आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्लीज माँ रोना बंद करो, वरना मैं भी रो दूंगा। इतना बोलकर भोला भी रोने लगता है। भोला को रोता देख उसकी माँ उसे माफ कर देती है। मुझे अब अपने बेटे के लिए जल्दी से एक समझदार लड़की देखकर शादी कर देनी चाहिए, अब बस एक यही रास्ता बचा है, शायद शादी के बाद इसको थोड़ी अकल आ जाए। यह सोचकर फूलमतिया पड़ोस के गांव की रहने वाली सरस्वती नाम की लड़की से भोला की शादी करवा देती है।
जैसे फूलमतिया ने सोचा था वैसा ही हुआ। सरस्वती के आने के बाद भोला पहले से काफी ज्यादा समझदार हो गया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। भोला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ सालों बाद भोला की माँ फूलमतिया का देहांत हो गया। एक दिन सरस्वती गुस्से से भोला के पास आई और बोली, अब बहुत हो गया, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी तब तो आप मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। अब कहाँ गया आपका वो प्यार? अब शायद आप मुझे प्यार ही नहीं करते। अरे भाग्यवान, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, फिर मुझे इस बार करवा चौथ पर चांद मेरे घर में चाहिए। क्या? अच्छा बाबा ठीक है, नाराज मत हो, मैं तुम्हें इस करवा चौथ पे चांद लाकर दूंगा। ठीक है, अगर आपने मुझे चांद लाकर नहीं दिया फिर देखना मैं क्या करती हूँ। मैं सदा के लिए आपको छोड़कर मायके चली जाऊंगी। ऐसा मत कहो भगवान, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, मैं तुम्हें चांद जरूर लाके दूंगा। भोला अपना औजार उठाता है और चांद तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाने लगता है। भोला लगातार कई महीनों तक सीढ़ियां बनाते रहता है। भोला को बादलों में सीढ़ियां बनाता देख गांव के सभी लोग भोला को पागल बोलने लगते हैं। अरे लगता है भोला का दिमाग फिर गया है, जब से माँ मरी है तब से बेचारा कुछ ज्यादा ही बावला हो गया है। हाँ बहन, पर इसे कौन समझाए, इसे बहस करना मतलब तो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। सही कह रही हो बहन, इसकी पत्नी तो इससे भी ज्यादा मंद बुद्धि है। अरे धीरे बोलो, अगर इस पागल ने सुन लिया फिर आफत ही मचा देगा। बेचारा अपने पति से प्यार जो बहुत करता है। राम बनाए जोड़ी, एक अंधा एक कोरी। भोला की कई महीनों की मेहनत रंग लाती है। आखिरकार भोला अपने हुनर से चांद तक पहुंचने का रास्ता बना ही लेता है। हो गया, अब कल आकर चांद ले जाकर सरस्वती को दे दूंगा। मेरी सरस्वती चांद को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। भोला खुशी खुशी खाना खाकर सोने चला जाता है। उसी गांव में शकुंतला नाम की एक चालाक औरत रहती थी। वह उसी रास्ते से जा रही थी तभी उसकी नजर बादलों में बने उन सीढ़ियों पर जाती है। अरे वाह, असंभव, यह भला कैसे हो सकता है, ये सीढ़ियां तो चांद तक जा रही है। शकुंतला खुशी खुशी उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने के बाद शकुंतला आसमान तक पहुंच जाती है। बाप रे, कितनी गहराई है नीचे। अरे बाप रे, आखिरकार मैं चांद तक पहुंच ही गई। शकुंतला बादलों से चांद को उठाकर उसे जमीन पर लेकर आ जाती है और चुपचाप उस चांद को अपने घर में छुपाकर रख देती है। अगली रात को जब चांद नहीं निकलता है तो सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, आज चांद क्यों नहीं निकला, कैसी वीरान रात लग रही है चांद के बिना। सही कह रहे हो, लेकिन आज बादल भी तो छाया हुआ है आसमान में, शायद चांद बादलों में छुप गया होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर करवा चौथ का दिन आया। सारी औरतें तैयार होकर चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। अरे यह चांद कब निकलेगा, कितनी ज्यादा भूख लग रही है। बहनों, मुझे तो लग रहा है रोज की तरह आज भी चांद नहीं निकलेगा। इधर सरस्वती ने अपने घर में तांडव मचा रखा था। मैं आज समझ गई हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। जब तक तुम मुझे चांद लाकर नहीं दोगे तब तक मैं भी अपना व्रत नहीं खोलूंगी और ऐसे ही भूखी प्यासी बैठी रहूंगी। अरे भाग्यवान, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए चांद लेने ही गया था, लेकिन मुझसे पहले वहाँ कोई और जाकर चांद को चुरा ले गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी के अभी चांद ला कर दो। इधर गांव की सारी औरतें अभी भी चांद के झलक को पाने का इंतजार कर रही थी। गांव वाले भी परेशान होने लगे।
वैसे सोचने वाली बात है बहनों, आखिरकार कुछ दिनों से चांद क्यों नहीं निकल रहा? बादल इतने दिनों तक तो छाए नहीं रह सकते। गांव वालों, मुझे लगता है किसी ने चांद की चोरी की है। चांद की चोरी? चांद की चोरी कौन कर सकता है भला? अरे ये सब उसी पागल भोला का काम है। वही कई दिनों से बादलों में सीढ़ियां बना रहा था। हमें तो लगा था कि ये पागल है, पर इसने तो सच में चांद की चोरी कर ली। अगर ऐसी बात है तो चलो उसके घर चलते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए। सभी गांव वाले मिलकर भोला के घर जाते हैं। अरे ओ मनहूस अभागा, तुमने तो सच में चांद को चुरा लिया। गांव की सभी औरतें भूखी प्यासी चांद निकलने का इंतजार कर रही है और तू यहाँ मजे से चांद चुरा कर बैठा है। देखिए आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने चांद नहीं चुराया है। मैं चांद चुराने जाता उससे पहले चांद निकलना ही बंद हो गया। गांव की सारी औरतें भोला को भला बुरा कहकर वहां से चली गई। सरस्वती भी गुस्से से मुंह बनाकर अंदर चली गई। भोला परेशान होकर वहां से चला गया। आखिर ये कौन कर सकता है? मुझसे पहले आखिर कौन चांद पर जाकर चांद चुरा लाया? भोला यही सब सोचते हुए जा रहा था, तभी उसे एक घर से बहुत तेज प्रकाश आते हुए दिखाई दिया। अरे इतना तेज प्रकाश, चलो चलकर देखते हैं माजरा क्या है। भोला जैसे ही उस घर के अंदर झांकता है, उसे शकुंतला की बातें सुनाई देने लगती है। सुनो जी, अगर हम इस चांद को बेचेंगे तो हम बहुत जल्दी मालामाल हो जाएंगे। अच्छा तो ये माजरा है। सीढ़ियां बनाने में इतने महीनों से मेहनत मैंने किया और अब चांद इस लालची इंसान के पास है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। शकुंतला एक बहुत बड़े सेठ से चांद को बेचने की बात करती है, लेकिन इससे पहले शकुंतला चांद को बेच पाती, सही मौका देखकर भोला ने शकुंतला के घर से चांद को चुरा लिया और चांद को लेकर अपनी पत्नी सरस्वती को दे दिया। चांद को देखकर सरस्वती बहुत ही खुश होती है और खुशी खुशी साक्षात चांद की पूजा कर अपना व्रत खोलती है। आप मुझसे कितना प्यार करते हो जी, आई लव यू जी। इधर शकुंतला चांद को अपने घर में ना पाकर ढूंढते ढूंढते भोला के घर जा पहुंची और छुपकर भोला की सारी बातें सुन लेती है। यही सही मौका है। गांव वाले पहले ही भोला से नाराज हैं। क्यों ना आग में घी डालने का काम किया जाए। शकुंतला शोर मचा मचा कर गांव वालों को इकट्ठा करने लगी। अरे गांव वालों, सुनो सुनो, चांद का पता लग गया है। भोला और उसकी पत्नी ने ही मिलकर चांद की चोरी की है। देखो देखो, चांद इन्हीं के पास है। अजी, मैं इस गांव वाले को चांद को नहीं ले जाने दूंगी। सरस्वती, तुम्हें चांद बहुत पसंद है ना? आओ मेरे साथ, अब से हम चांद पर रहेंगे। अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। सारे गांव वाले गुस्से से भोला के घर पहुंचे। गांव वाले को अपने घर की तरफ आता देख भोला अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर चढ़ गया और बादलों में पहुंचकर सीढ़ियों को ऊपर खींचकर चांद पर रख लिया, ताकि अब कोई भी गांव वाला चांद पर नहीं पहुंच सके। अब चांद आसमान में चमकने लगा और भोला अपनी पत्नी सरस्वती के साथ वही चांद पर खुशी खुशी रहने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।